हेलो एवरीवन, दिस इज़ वन शॉर्ट वीडियो ऑफ बूलियन लॉजिक इन हिंदी। बूलियन एलजेब्रा या बूलियन लॉजिक का कॉन्सेप्ट क्या है? बूलियन एलजेब्रा इज द एलजेब्रा ऑफ लॉजिक। बूलियन एलजेब्रा लॉजिक का एलजेब्रा है। एलजेब्रा क्या होता है? ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें सिंबल्स के ऊपर वर्क किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो ये मेरी इक्वेशन क्या है? एक एलजेब्रिक इक्वेशन है। ओके, बूलियन एलजेब्रा डील्स विद द वेरिएबल्स दैट कैन हैव टू वैल्यूज, जीरो और फॉल्स एंड वन दैट इज टू। ओके, तो बूलियन एलजेब्रा उन वेरिएबल्स के साथ काम करता है जिनकी सिर्फ दो वैल्यूज ही हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ओके, या तो ट्रू या फॉल्स, या फिर हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज द हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज इंट्रोडक्शन टू बूलियन एलजेब्रा। बूलियन एलजेब्रा या बूलियन लॉजिक का क्या कॉन्सेप्ट है? बूलियन एलजेब्रा इज द एलजेब्रा ऑफ लॉजिक। बूलियन एलजेब्रा लॉजिक का एलजेब्रा है। एलजेब्रा क्या होता है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें सिंबल्स के ऊपर ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो ये मेरी एक एलजेब्रिक इक्वेशन है, राइट? बूलियन एलजेब्रा डील्स विद द वेरिएबल्स दैट कैन हैव टू वैल्यूज। ओके, तो बूलियन एलजेब्रा बूलियन वेरिएबल्स पे वर्क करती है। बूलियन वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू और फॉल्स। ओके, और आप ट्रू और फॉल्स की जगह पे वन या जीरो भी लिख सकते हैं। ओके, तो बूलियन एलजेब्रा क्या करता है? उन वेरिएबल्स के साथ वर्क करता है जिनकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स या जीरो और वन। ओके, एंड ऑपरेशन डैट हैव लॉजिकल सिग्निफिकेंस, और इन वेरिएबल्स के ऊपर वो ऑपरेशन किए जाते हैं जिनकी कुछ लॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है, जिनका कुछ लॉजिकल रीजनिंग होता है, राइट? बूलियन एलजेब्रा वॉज इंट्रोड्यूस इन 1854 बाय जॉर्ज बूल। बूलियन एलजेब्रा को 1854 में जॉर्ज बूल ने इंट्रोड्यूस किया था। बूल डिवाइस अ मैथमेटिकल लैंग्वेज टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ लॉजिक। तो जॉर्ज बूल ने एक मैथमेटिकल लैंग्वेज को इन्वेंट किया जो किससे डील करती थी? लॉजिकल क्वेश्चन से डील करती थी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखो कुछ एग्जाम्पल्स है। 13 - 2 = 11, तो ये आपसे पूछ रहा है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। दिल्ली इज द बिगेस्ट स्टेट इन द इंडिया, राइट? इसका भी आप आंसर किसमें दोगे? ट्रू या फॉल्स में ही दोगे। ओके, 15 × 0 = 0, तो इसका आंसर भी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट? तो ये जो आपने यहां पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं। ओके, ऑल दी स्टेटमेंट्स कैन हैव ओनली वन आंसर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, राइट? जो भी स्टेटमेंट्स हैं इनका आंसर या तो ट्रू की फॉर्म में होगा या फॉल्स की फॉर्म में होगा। दिस द स्टेटमेंट्स विच कैन बी डिटरमाइंड टू बी ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट्स और ट्रूथ फंक्शंस। वो स्टेटमेंट्स, ओके, जिनका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, उन स्टेटमेंट्स को या तो लॉजिकल स्टेटमेंट कहा जाता है या ट्रूथ फंक्शंस कहा जाता है। ओके, एंड द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, और जो रिजल्ट आता है ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, उस रिजल्ट को क्या बोला जाएगा? ट्रुथ वैल्यूज, राइट? द डिसीजन विच रिजल्ट्स इनटू आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड एज बाइनरी डिसीजन। जिस डिसीजन की हेल्प से आपका रिजल्ट आया है ट्रू या फॉल्स, उस डिसीजन को बाइनरी डिसीजन कहा जाता है। ओके, तो बूलियन एलजेब्रा बेसिकली उन वेरिएबल्स के साथ काम करता है जिनकी सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, राइट? वो वेरिएबल या तो ट्रू वैल्यू को कंटेन करेगा या फॉल्स वैल्यू को कंटेन करेगा, या आप कह सकते हो या तो उसकी वैल्यू वन होगी या जीरो होगी, क्योंकि वन इज कंसिडर्ड एज ट्रू एंड फॉल्स इज कंसिडर्ड एज जीरो। ओके, बूलियन वेरिएबल्स आपको पता चल गया है, वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, राइट? या तो वन होगी या जीरो होगी, वो क्या होते हैं? बूलियन वेरिएबल्स होते हैं, राइट? बूलियन वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट कैन हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, वन
ओके, वन क्या है आपका ट्रू या फिर जीरो, वो क्या है फॉल्स, राइट। तो बुलियन वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिनकी पॉसिबली दोनों में से एक वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स, ओके, या फिर आप लिख सकते हो वन या जीरो, राइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल वेरिएबल्स और बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स, इनको लॉजिकल वेरिएबल्स या बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स भी कहा जाता है। Since they store the result of logical statements or truth functions, okay? तो इनको logical variables या binary valued variables क्यों कहा जाता है, क्योंकि logical statements के result को store करते हैं, okay? Now we have the truth table. Truth table क्या show करती है, जो आपके पास boolean variables होते हैं उनके combinations को show करती है, right? तो ये आपके पास एक example दिया गया truth table का, right? The number of rows in the truth table is calculated as 2^n. Truth table के अंदर कितनी number of rows होंगी ये कैसे calculate किया जाएगा, 2^n, और n क्या है, number of the boolean variables. अगर आपके पास मान लो दो boolean variables हैं, जैसे हमारे पास x and y, यहाँ पे दो boolean variables हैं, तो इनके कितने combinations होंगे, तो ये कैसे साइड होगा, 2^2, क्योंकि आपके पास क्या है, 2 बुलियन वेरिएबल्स हैं, तो इसका आंसर आएगा 4. तो इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो 4 हैं, राइट। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं, 4 हैं, ओके। यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ रोज इन द ट्रुथ टेबल इज कैलकुलेटेड एज 2^n, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ द बुलियन वेरिएबल्स, राइट। देयरफॉर इफ देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, देन द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज विल बी 2^2 इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशंस, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल का जो आपको बताया जाएगा रियल कॉन्सेप्ट वो बाद में आएगा, अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल्स आपका कॉम्बिनेशन शो करती है बुलियन वेरिएबल्स का, राइट। जितने बुलियन वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग कितने उनके कॉम्बिनेशंस होंगे, तो अगर दो बुलियन वेरिएबल्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, ओके। जैसे हमारे पास दो बुलियन वेरिएबल्स है x एंड y, अगर y एंड x दोनों की वैल्यू 0 है, तो अगर हम उन दोनों के बीच में और एंड ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। अभी आपने और एंड ऑपरेटर नहीं किया है तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अभी आप सिंपल इतना देख लो, कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं, 0, 0, ओके, वाई की वैल्यू 1, देन एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 0 एंड 1, 1, ओके। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए हैं आपके, राइट। 1 रिप्रेजेंट द ट्रू वैल्यू एंड 0 रिप्रेजेंट द फॉल्स वैल्यू। यहाँ पे जो 1 है वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 0 आपका फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइन। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके बूलियन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है तो उसे आप क्या बोलोगे, टॉटोलॉजी। इफ़ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द इनपुट कॉम्बिनेशन, इट इज़ कॉल्ड टॉटोलॉजी, राइट। और अगर बूलियन वेरिएबल की कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमेशा फॉल्स आता है तो उसे क्या कहा जाएगा, फैलेसी, राइट। इफ़ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज फॉल्स और 0 फॉर ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन, इट इज़ कॉल्ड फैलेसी, राइट। तो बूलियन वेरिएबल का रिजल्ट, बूलियन वेरिएबल की कॉम्बिनेशन का रिजल्ट अगर हमेशा ट्रू आता है तो दिस इज कॉल्ड टॉटोलॉजी, एंड हमेशा अगर रिजल्ट हमेशा फॉल्स आता है बूलियन वेरिएबल की कॉम्बिनेशन का, दिस इज कॉल्ड फैलेसी, ओके। अब अगर आपके पास 3 बुलियन वेरिएबल्स हैं तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 8 होंगे, बिकॉज आपका क्या है, 2^3 इक्वल्स टू 8, राइट। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो 8 बनेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, सिंस x, y, z आर द 3 वेरिएबल्स इन टोटल, अ ट्रुथ टेबल इन्वॉल्विंग 3 इनपुट वेरिएबल्स विल हैव 8 रोज इन टोटल, राइट। ये तो हमें पता है कि 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8 रोज होंगी। द लेफ्ट मोस्ट कॉलम विल हैव हाफ ऑफ टोटल एंट्रीज, दैट इज 4 एंट्रीज एज 0 एंड हाफ एज 1 इन टोटल। तो जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा उसमें हाफ एंट्रीज होंगी 0 की एंड हाफ एंट्रीज होंगी 1 की, ओके। तो 4 जीरोज होंगे और 4 1 होंगे, फाइन। द नेक्स्ट कॉलम विल हैव नंबर ऑफ जीरोज एंड 1 हाफ देन द फर्स्ट कॉलम, ओके, कॉम्प्लीमेंटिंग 8 रोज एंड सो ऑन। जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट कॉलम था उसका हाफ हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे 4 जीरोस थे तो अब इसके अंदर 2 जीरोस हो गए एंड 2 1 हो गए, अगेन 2 जीरोस हो गए एंड 2 1 हो गए, राइट। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें सेकेंड जो उसके लेफ्ट वाला कॉलम था उसका हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 जीरोस थे, अब तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, देन 1 1 हो जाएगा, देन 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, राइट। तो ये ट्रुथ टेबल आपकी ऐसे बनेगी, फिर आप इसके कॉम्बिनेशंस बनाते रहोगे अपने ऑपरेटर्स को यूज़ करके, फाइन। तो फिर से आप देख लो, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ जीरोस होंगे एंड हाफ नंबर ऑफ वंस होंगे। तो यहाँ पे हमारे
एट रोज आनी है तो आप फोर जीरोस लोगे एंड फोर वन लोगे, ओके। देन जो नेक्स्ट कॉलम है एक्स के, जो इसके बाद का कॉलम है उसमें क्या होगा, पहले वाले कॉलम का हाफ हो जाएगा, मीन्स टू जीरोस एंड टू वंस, राइट। और फिर इसके बाद जो कॉलम आएगा उसमें भी क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स वन जीरो एंड वन वन, ओके, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, लाइक दिस, राइट, ओके। सो दिस इज रिटन हेयर, दैट इज वाई फर्स्ट कॉलम हैज़ फोर जीरोस एंड फोर वंस, नेक्स्ट कॉलम हैज़ टू जीरोस फॉलोड बाई टू वंस कॉम्प्लीमेंटिंग एट रोज एंड इन टोटल, एंड लास्ट कॉलम हैज़ वन जीरोस फॉलोड बाई वन वंस कॉम्प्लीमेंटिंग एट रोज। तो ये यही बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम में फोर जीरोस फोर वन आएंगे, सेकेंड कॉलम में टू जीरो टू वन टू जीरो टू वन, लाइक दिस, एंड जो नेक्स्ट कॉलम होगा, ओके, लास्ट वाला कॉलम होगा उसके अंदर जीरो वन जीरो वन, लाइक दिस, ऐसे आप एंट्रीज करोगे बुलियन वेरिएबल्स की, ओके। तो ऐसे आपका ट्रुथ टेबल क्रिएट होगी, थ्री वेरिएबल वाला ट्रुथ टेबल, ओके। नाउ वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स और बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन एलजेब्रा में बूलियन वेरिएबल्स के साथ जिन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है उन्हें लॉजिकल या बूलियन ऑपरेटर्स कहा जाता है, ओके। ऑपरेटर्स यूज्ड इन बूलियन एलजेब्रा आर नोन एज लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स। बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स आर, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास एंड और एंड नॉट, ओके। अब इसको वन बाय वन आप देखेंगे। फर्स्ट वी हैव एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर डेट ऑपरेट्स ऑन टू वेरिएबल्स। एंड ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है जो दो वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेट करता है, ओके। एंड द ऑपरेशन परफॉर्म बाय एंड ऑपरेटर इज नॉन एज लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। और एंड ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वेरिएबल्स के ऊपर उसको लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है, राइट। इसको मल्टीप्लीकेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखना ये मल्टीप्लीकेशन की तरह ही वर्क करता है, अभी मैं आपको शो करूँगी, ओके। द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेशन और लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन इज डॉट ऑपरेटर, ओके। तो इसको एंड ऑपरेटर को शो करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है डॉट ऑपरेटर। दस एक्स डॉट वाई विल बी रीड एज एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स डॉट वाई को आप कैसे रीड करेंगे, एक्स एंड वाई, ओके। द रूल्स फॉर एंड ऑपरेशंस आर, एंड ऑपरेशंस जब आप परफॉर्म करते हो तो कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, ओके, और इनके ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इनके ऊपर हम एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, ओके, जीरो एंड जीरो। अगर जीरो एंड जीरो है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो। जीरो एंड वन है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो। वन एंड जीरो है तो इसका रिजल्ट क्या है, जीरो, ओके। जब दोनों वेरिएबल वन वन है, ओके, तब अगर आप एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या है, वन है। तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लीकेशन की तरह ही वर्क कर रहा है, जब भी आप किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा, फाइन, ओके। बट यहाँ पे जो लास्ट में आपने वन एंड वन किया है तो रिजल्ट आपका वन आया है, राइट। Only when both x and y are one, then x y has the result one. तो एंड ऑपरेटर जब आप दो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हो तो रिजल्ट वन कब आएगा, जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू वन होगी। अगर दोनों में से एक भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो होगी तो रिजल्ट जीरो ही आएगा, ओके। तो एंड ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है उसे लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन भी कहा जाता है, इसका सिंबल डॉट है, फाइन। Now here we have two table for and operator. And operator की आप two table कैसे create करोगे, आपके पास दो boolean variables हैं x and y, तो total number of combinations कितने होंगे, 2 raised to power 2, okay, 2 raised to power 2, यहाँ पर 2 क्या है, जो आपने पार लिया वो है number of boolean variables, तो total combinations आपके होंगे 4, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to power n, n क्या होता है, नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल्स जो आप ले रहे हो। तो हमारे पास दो बुलियन वेरिएबल्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशंस आपके कितने बनेंगे, 4, राइट। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो 2 0 एंड देन 2 1, राइट। अब इसका हाफ कर देंगे नेक्स्ट कॉलम में 1 0 1 1 1 0 1 1, राइट। अब नाउ इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर आप एंड ऑपरेटर अप्लाई करोगे, 0 एंड 0 0, ओके, 0 1 0 1 0 0, ओके, 1 1 1, राइट। यहाँ पे एंड ऑपरेटर जब आप दो बुलियन वेरिएबल पे अप्लाई करते हो तो रिजल्ट वन कब आता है, जब दोनों की वैल्यू वन हो, राइट। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू जीरो होगी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, राइट, ओके।
Next we have OR operator. OR operator is a binary operator that operates on two variable. OR operator भी एक binary operator है जो दो variables के ऊपर work करता है, operate करता है. And the operation performed by OR operator is known as logical addition. और जो operation OR operator perform करता है उसे logical addition कहा जाता है. जैसे AND operator जब operation perform करता था उसे logical multiplication कहा जाता था, ऐसे OR operator जो operation perform करता है उसे logical एडिशन कहा जाता है. ओके, द सिंबल यूज्ड फॉर OR ऑपरेशन और लॉजिकल एडिशन इज द प्लस ऑपरेटर. तो OR ऑपरेशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसे प्लस ऑपरेटर कहा जाता है. x प्लस वाई कैन बी रीड एज x और y. तो यहाँ पे x प्लस वाई का मीनिंग है x और y. ओके, द रूल्स फॉर OR ऑपरेशन आर, जब आप OR ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो रूल्स कौन से फॉलो होते हैं. यहाँ पर x एंड y दो बुलियन वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, OR ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो. राइट, ओके, जीरो और जीरो क्या होगा, जीरो. राइट, जब दोनों बुलियन वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो है तो आपका x और y क्या होगा, जीरो. ओके, नाउ जीरो और वन. ओके, जीरो और वन आपका रिजल्ट क्या आया, वन. वन और जीरो आपका रिजल्ट आया वन. ओके, वन प्लस वन, यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है आपका, और ऑपरेटर. वन और वन रिजल्ट इज वन. तो यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, ये एडिशन की तरह ही ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है. ओके, देखो जीरो और जीरो क्या होगा, जब दोनों बुलियन वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तब आपका जीरो आएगा. अगर दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू वन है तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन. या दोनों की वैल्यू वन है तब भी रिजल्ट क्या आएगा, वन. ओके, तो और के केस में आपका जीरो कब आता है, जब दोनों बुलियन वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो है. ओके, अगर किसी एक की भी वैल्यू वन है तो रिजल्ट आएगा वन, अगर दोनों की वैल्यू वन है तो भी रिजल्ट आएगा वन. राइट, व्हेन एनी वन ऑफ एक्स एंड वाई इज वन, एक्स और वाई इज वन. ओके, ये आपको समझ आ गया. अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं. आपके यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 raised to power 2. राइट, दैट इज 4. अब ट्रुथ टेबल बनाने के लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आप क्या करोगे, आप दो जीरो लोगे, दो वन लोगे. राइट, क्योंकि 4 आपके पास वैल्यूज हैं जिनको आपको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में. राइट, अब और उसके नेक्स्ट कॉलम में आप क्या करोगे, उसका हाफ कर दोगे, 1 0 1 1 1 0 1 1. राइट, अब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और ऑपरेशन एक्स और वाई, जीरो और जीरो, जीरो और जीरो क्या होगा, जीरो होगा. राइट, जीरो और वन, जीरो और वन क्या होगा आपका, वन. राइट, वन और जीरो, वन, वन और वन, वन. राइट, तो यहाँ पे अगर दोनों एक्स और वाई में से दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू वन है तो भी वन आएगा, दोनों की वैल्यू वन है तो भी वन आएगा, अगर दोनों की वैल्यू जीरो है, इन डैट केस द रिजल्ट विल बी जीरो. ओके, अब नेक्स्ट आपके पास है नॉट ऑपरेटर. द नॉट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर. अब नॉट ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर है जो क्या करेगा, सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा. That operates on one variable, जो एक वेरिएबल के ऊपर ऑपरेट करता है, काम करता है. एंड द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर इज नॉन एज नेगेशन और कॉम्प्लीमेंटेशन. ओके, तो नॉट ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसे नेगेशन या कॉम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है. राइट, द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज बार. बार का सिंबल यूज किया जाता है, या कॉम्प्लीमेंट सिंबल भी यूज कर सकते हैं. दस एक्स बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स. तो एक्स बार क्या है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट है. द रूल्स फॉर द नॉट ऑपरेशंस आर, तो नॉट ऑपरेशंस के लिए जो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं वो क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स. तो यहाँ पे अगर आपने वैल्यू, आपकी एक्स की वैल्यू जीरो है, फाइन, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बार आपने उस पर, उसके ऊपर आपने बार अप्लाई किया, मीन्स उसकी वैल्यू आपने रिवर्स कर दी, फाइन, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन. ओके, एंड अगर आपकी एक्स बार की वैल्यू वन है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो. राइट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज विल बी वन. जीरो का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन, या आप कह सकते हो फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ट्रू, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन विल बी फॉल्स. ओके, वन विल बी जीरो. ओके, और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो. अंडरस्टूड, मतलब रिवर्स हो जाएगी, नॉट के केस में आपकी वैल्यू रिवर्स हो जाती है. राइट, ओके, नाउ ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर्स. अब ट्रुथ टेबल हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है. राइट, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 raised to power 1. तो आपके टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2. राइट, अब देखो यहाँ पे आपने लिया है 0 and 1. 0 है तो x बार क्या, अगर आपने 0 लिया, x की वैल्यू 0 है तो नॉट x क्या हो जाएगा, 1. राइट, और अगर 1 है तो नॉट x हो जाएगा आपका 0.
ओके तो ये आपके क्या है, बूलियन ऑपरेटर या फिर आप कह सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आप बूलियन वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करते हो। अ गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। गेट क्या है, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, जो एक या एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल पर वर्क करता है और एक सिंगल आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है, राइट। तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल्स है वो कौन से सिग्नल्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं। जब आप किसी भी की को प्रेस करते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस करती है जो पास होता है थ्रू द वायर, राइट। और यही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बाइनरी लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं, ओके। गेट्स आर ऑफन कॉल्ड लॉजिक सर्किट्स। गेट्स को लॉजिक सर्किट्स भी कहा जाता है बिकॉज दे कैन बी एनालाइज विद बूलियन लॉजिक। क्यों, क्योंकि इनको बूलियन लॉजिक की हेल्प से एनालाइज किया जाता है, राइट। अब देखो आप क्या करते हो, जब आप कोई भी की प्रेस करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा पास होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक किस फॉर्म में होती है, जीरो एंड वन की फॉर्म में होती है, राइट। बाइनरी फॉर्म में होती है, इसके अंदर डेटा की दो ही स्टेट होती है, या तो जीरो होगी या फिर वन होगी, राइट। तो जब बाइनरी स्टेट में आपका डेटा होता है तो उसको एनालाइज करने के लिए बूलियन लॉजिक यूज किया जाता है, फाइन। इसलिए गेट्स को लॉजिक सर्किट्स भी कहा जाता है। देयर आर थ्री फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विच आर एज फॉलो। जो थ्री फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं वो हैं हमारे पास नॉट गेट, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, एंड गेट, एंड और गेट, राइट। तो पहले हम थ्री फंडामेंटल लॉजिक गेट्स देखेंगे, फिर हम ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स देखेंगे जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ओके। फर्स्ट वी हैव नॉट गेट। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। एंड इन्वर्टर गेट और नॉट गेट इज अ गेट विच टेक्स ओनली वन इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट सिग्नल। तो नॉट गेट वो डिवाइस है जो एक इनपुट सिग्नल को रिसीव करता है और एक ही इनपुट सिग्नल वो प्रोड्यूस करता है, राइट। द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ द इनपुट स्टेट। तो जो आउटपुट आता है वो हमेशा इनपुट का अपोजिट होता है when you are using the NOT gate. Its output is also called as complement or opposite of the input, right? तो NOT gate के output को complement भी कहा जाता है क्योंकि वो input का हमेशा opposite होता है। अब यहाँ पे हम truth table की बात करेंगे तो देखो एक ही input हमेशा use होता है, तो 2 raise to power कितने combination बनेंगे, 2 raise to power 1, input आपका 1 है, तो यहाँ पे आप दो ही combination लोगे तो हमारे दो combination में आ गया 0 and 1, राइट। ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे नॉट गेट की, एक्स है आपका इनपुट एंड ये एक्स बार आपका क्या है आउटपुट, राइट। और यहाँ पे जो आउटपुट है उसको आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट, ओके। अगर आपका इनपुट सिग्नल जीरो है, राइट, तो आपका आउटपुट क्या होगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा वन। अगर आपका इनपुट वन है तो आपका आउटपुट आएगा जीरो, राइट। और नेट आपका नॉट गेट का सिंबल क्या है, आपका नॉट गेट का सिंबल ऐसे बनता है, राइट। दिस इज योर नॉट गेट सिंबल, ओके। तो एक्स इज योर इनपुट, राइट, एक्स आपका इनपुट है एंड एक्स बार आपका क्या है आउटपुट है। तो अगर आपकी एक्स की वैल्यू जीरो है, ओके, अगर आपकी एक्स की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट आएगा आपका वन, ओके। एंड अगर आपकी एक्स की वैल्यू वन है तो आपका आउटपुट आएगा जीरो, ओके। बिकॉज नॉट गेट क्या करता है, इनपुट वैल्यू को अपोजिट कर देता है, उसको रिवर्स कर देता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव OR गेट। द OR गेट टेक्स टू और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूसेस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। OR गेट दो या दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स को रिसीव करता है और एक आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। इट्स आउटपुट इज लॉजिकल सम ऑफ पास्ट इनपुट्स। इसका जो आउटपुट होता है वो इनपुट का लॉजिकल सम होता है, ओके। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज वन, द आउटपुट सिग्नल इज वन। अगर कोई भी इनपुट सिग्नल वन है, हाई है, तो आउटपुट सिग्नल वन होगा, ओके। इफ ऑल इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट इज ऑल्सो जीरो। अगर जितने भी इनपुट्स आप दे रहे हो, टू या थ्री या फोर, वो सारे जीरो हैं तो आउटपुट सिग्नल जीरो होगा, राइट। इफ ऑल द इनपुट्स आर वन, अगर आपने जितने भी इनपुट्स दिए हैं वो सारे वन हैं तो भी आउटपुट क्या होगा, वन। तो इसका लॉजिक क्या है, अगर एक भी आपने जो इनपुट सिग्नल दिया है वो वन है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो वन ही आएगा,
राइट, जीरो कब आएगा? जब सारे के सारे इनपुट सिग्नल जीरो होंगे तब आपका जीरो आएगा, अदरवाइज आपका कोई भी केस हो, चाहे आपने 1-1 इनपुट सिग्नल दिए तब भी 1 आएगा, आपने 0-1 इनपुट सिग्नल दिया है तब भी 1 आएगा। जीरो कौन से केस में आएगा? जब जितने भी इनपुट सिग्नल्स हैं वो सारे जीरो हैं तभी आपका जीरो आउटपुट आएगा, राइट ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं टू टेबल ऑफ टू इनपुट और गेट, राइट। अगर आप और गेट में दो इनपुट दे रहे हो तो रिजल्ट क्या होगा उसके ट्रुथ टेबल हम देखते हैं, मान लो ओके। यहाँ पर तो यहाँ पे आपका टू इनपुट है तो आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 2^2 फोर कॉम्बिनेशंस होंगे, फोर रोज आएंगे आपके ट्रुथ टेबल में ओके। तो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें हम फोर जो आपका डेटा है राइट ओके इनपुट है जो आपका उसको आप डिवाइड करोगे 2 0s में एंड 2 1 में, राइट। नेक्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें आप क्या कर दोगे, फर्स्ट वाले का हाफ कर दोगे, फर्स्ट आपका जीरो आ गया देन वन आ गया फिर आपका जीरो आ गया देन वन आ गया ओके। अब देखो इन दोनों में आप एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ है, जो आपकी ये दोनों क्या है, इनपुट वैल्यूज़ हैं ओके, ये आपकी इनपुट वैल्यूज़ हैं। आपने ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ अप्लाई की हैं, और गेट में अप्लाई की हैं, ये आपका और गेट का सिंबल है। आपने और गेट में एक्स एंड वाई इनपुट्स दिए हैं राइट, तो एक्स एंड वाई इनपुट्स दिए हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनका लॉजिकल सम होगा राइट। जीरो प्लस जीरो आपका रिजल्ट क्या आया, जीरो। जब दोनों इनपुट जीरो हैं तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा जीरो ओके। अब यहाँ पे देखो 0 1 1 1 0 1 1 1 1 राइट। अगर आपका एक भी इनपुट 1 है तो आपका रिजल्ट क्या है, 1 है राइट। ये आपका सिंबल है, ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया टू इनपुट और गेट का, और ये आपका सिंबल हो गया टू इनपुट और गेट का ओके। नाउ अब देखते हैं हम ट्रुथ टेबल ऑफ थ्री इनपुट और गेट। अगर आपके पास इनपुट क्या है, 3 है, एक्स वाई एंड जी, आपके पास 3 इनपुट्स वैल्यूज हैं ओके। ये आपका एक्स वाई एंड जी, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे 3 इनपुट के लिए, 2^3 ओके, 2 × 2 तो कितने होंगे आपके पास, 8 कॉम्बिनेशंस होंगे राइट। 8 कॉम्बिनेशंस होंगे तो आप जो आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें आप ट्रुथ टेबल कैसे क्रिएट करोगे, आप डिवाइड करोगे, 4 आपके पास जीरोस होंगे एंड 4 आपके पास 1 होंगे ओके। इसके जो नेक्स्ट वाला कॉलम होगा उसके अंदर इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 0 2 1 देन 2 0 एंड 2 1 राइट। उसके नेक्स्ट में क्या होगा, फिर हाफ हो जाएगा, तो 1 0 1 फिर 1 0 फिर 1 ऐसे लाइक दिस ओके। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो आपका रिजल्ट है उसको कंबाइन करेंगे। देखो 0 0 0 क्या होगा, कॉम्बिनेशन 0। अब 0 0 1 एक भी अगर 1 आता है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ठीक है। 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 ओके, 1 0 1 1 ओके, 1 1 0 1 1 1 1 1 ओके। आपका जीरो कब आएगा, जब जितने भी इनपुट्स आपने दिए हैं वो सारे जीरो हैं तभी आपका जीरो आएगा, अदरवाइज अगर एक भी आपका इनपुट 1 है तो आपका रिजल्ट 1 ही आएगा फाइन। तो यहाँ पे आपका ट्रुथ टेबल हो गया 3 इनपुट और गेट का, और ये सिंबल हो गया, आपने एक्स वाई जी 3 इनपुट दिए और आपका ये रिजल्ट आ गया राइट ओके। सो दिस इज द सिंबल फॉर 3 इनपुट और गेट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंड गेट। The AND gate takes two or more than two input signals and produces one output signal. AND gate दो या दो से ज़्यादा input signals को receive करता है और एक output signal produce करता है okay? Its output is logical multiplication of past inputs. जो output होता है वो inputs का logical multiplication होता है okay? When all the inputs are one, then the output then the output is 1, otherwise output is 0 only. अगर सारे इनपुट 1 हैं तभी आपका आउटपुट 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, तभी तो इसको लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। देखो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट इज 0, अगर कोई भी एक इनपुट भी आपका 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या करोगे, अगर आप किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसीलिए इसको लॉजिकल क्या कहा जाता है, मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है फाइन। तो आपका 1 रिजल्ट कब आएगा, जब सारे इनपुट 1 होंगे, अदरवाइज कोई भी कंडीशन हुई उसमें क्या आएगा, 0 ही रिजल्ट आएगा ओके। टू ऑब्टेन आउटपुट एज 1 ऑल द इनपुट्स मस्ट बी 1, अगर आपको आउटपुट एज 1 चाहिए तो सारे इनपुट्स 1 होने चाहिए ओके। अब यहाँ पे देखो ट्रुथ टेबल ऑफ टू इनपुट एंड गेट, एंड गेट की ट्रुथ टेबल हम यहाँ देखेंगे 0 0
ओके, ये टू इनपुट्स की है, टू इनपुट्स की है, कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, टू रेस टू पार टू, फोर कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, आपने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पहले आपके दो जीरो आ गए, देन आपके आपके दो वन आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में इसका आपने क्या करना है, हाफ करना है, जीरो वन जीरो वन, ओके। अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, आपके दो इनपुट है ए एंड बी, ठीक है, जीरो जीरो आपका क्या हो गया, जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो, क्योंकि ये क्या है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है, फाइन। वन कब आएगा, जब दोनों के दोनों इनपुट क्या होंगे, आपके वन होंगे, तब आपका वन आएगा, राइट। सिंबल आपका टू इनपुट एंड गेट का ये है, आपने दो इनपुट दिए ए एंड बी, एंड दिस इज योर लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, फाइन, ओके। अब हम देख लेते हैं थ्री इनपुट एंड गेट, राइट। थ्री इनपुट एंड गेट में टू रेस टू पावर थ्री, तो कॉम्बिनेशन आपके एट बनेंगे, ओके। एट कॉम्बिनेशन के ट्रुथ टेबल आप कैसे बनाओगे, आप जीरो एंड वन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, तो आपके चार जीरो पहले आ गए, देन आपके चार वन आ गए, ठीक है, फोर जीरो आ गए, फोर वन आ गए। अब नेक्स्ट कॉलम में आप क्या करोगे, फर्स्ट का हाफ कर दोगे, टू जीरो टू वन, अगेन टू जीरो एंड टू वन, फिर उससे नेक्स्ट में आप क्या करोगे, इसका हाफ कर दोगे इससे पहले वाले का, तो इसका क्या हो गया, जीरो वन जीरो वन, लाइक दिस। अब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, जो आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है, जीरो जीरो जीरो, तो आपका आ गया जीरो। अब देखो सेकंड में जीरो जीरो वन जीरो, थर्ड में जीरो वन जीरो जीरो, क्योंकि एक भी इनपुट अगर जीरो है तो ये क्या है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिजल्ट जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाईज हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही वैल्यूज एक दूसरे से, ठीक है। वन वन जीरो, ठीक है, वन जीरो जीरो जीरो, वन जीरो वन जीरो, वन वन जीरो जीरो। वन कब आएगा, जब तीनों के तीनों इनपुट क्या है, वन है, तब आपका वन आया है, ओके। सो दिस इज द सिंबल फॉर थ्री इनपुट एंड गेट, ये आपका थ्री इनपुट एंड गेट का सिंबल है। ये सिंबल्स आपको याद रखने कि किसकी शेप क्या है, राइट, क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गेट लगाया गया, एंड गेट लगाया गया है या और गेट लगाया गया, लाइक दिस, ओके। Now we have some other logic gates. There are some more logic gates also which are derived from three basic gates. तो कुछ और logic gates भी हैं जो तीन basic gates से मिलकर बने हैं, तीन basic gates के combination से बने हैं, और basic gates आपके कौन से हैं, AND, OR and NOT. ओके, तो जो इनके combination से gates बनते हैं वो क्या हैं, NOR, NAND, XOR, XNOR, गेट्स एसेट्रा, राइट। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है आपके पास NOR गेट। NOR गेट मीन्स नॉट और गेट। NOR गेट क्या है, नॉट और गेट, ये दो गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, नॉट एंड और गेट के कॉम्बिनेशन से बना है आपका NOR गेट। इन अ NOR गेट एंड और गेट इज इन्वर्टेड थ्रू अ NOR गेट, ठीक है। NOR गेट में क्या होता है, और गेट को इन्वर्ट किया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, किसकी हेल्प से, NOT गेट की हेल्प से। तो और गेट के रिजल्ट को इन्वर्ट किया जाता है, रिवर्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ NOT गेट, ओके। तो NOR गेट क्या है, दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है ये, और एंड NOT गेट का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर और गेट के रिजल्ट को NOT गेट की हेल्प से रिवर्स कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, इन्वर्ट कर दिया जाता है, ओके। एन और गेट फॉलोड बाय अ NOT गेट मेक्स अ NOR गेट, ओके। और गेट को जब NOT गेट फॉलो करता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट करता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन NOR गेट क्रिएट करता है। द बेसिक लॉजिक कंस्ट्रक्शन ऑफ NOR गेट इज शोन बिलो, ठीक है। तो ये हमारा और गेट है, ओके, टू इनपुट और गेट है, ए एंड बी आपके इनपुट हैं, तो ए प्लस बी ये आपका कॉम्बिनेशन रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, NOT गेट को लगा दिया, तो ये रिजल्ट इन्वर्ट हो गया, ए प्लस बी बार आ गया, तो यहाँ पे जो अगर मान लो रिजल्ट जीरो आया है तो वन हो जाएगा, वन आया है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन जाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है NOR गेट, और आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, ओके। NOR गेट मीन्स नॉट एन OR गेट। NOR गेट क्या होता है, OR गेट, नॉट एन OR गेट, ठीक है, विच मीन्स आउटपुट ऑफ दिस गेट इज जस्ट रिवर्स ऑफ OR गेट। ये मैंने आपको बता दिया कि NOR गेट में क्या होता है, कि OR गेट का जो आउटपुट होता है उसका रिवर्स हो जाता है, ओके। वी नो डैट आउटपुट ऑफ एन OR गेट इज जीरो ओनली वेन ऑल द इनपुट्स ऑफ OR गेट इज जीरो। और हमें पता है कि OR गेट में आउटपुट जीरो कब होता है, जब जितने भी इनपुट वैल्यूज आप दे रहे हैं सारे जीरो हैं, तभी रिजल्ट जीरो आएगा, अगर एक भी वन है तो रिजल्ट वन आएगा। बट इन केस ऑफ NOR गेट, अब NOR गेट क्या है, OR का रिवर्स है, OR का उल्टा है, तो क्या होगा, इन केस ऑफ NOR गेट द आउटपुट इज वन ओनली वेन ऑल द इनपुट्स आर जीरो। तो आउटपुट वन तभी होगा जब जितने भी इनपुट्स आप दे रहे हैं वो जीरो होंगे, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आप क्या करो, OR गेट बनाओ, उसका रिजल्ट देखो, और उसके रिजल्ट को और आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो,
तो वो किसका रिजल्ट आ जाएगा, नॉर गेट का। अभी एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। इन ऑल अदर केसेस दैट इज फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशन इनपुट ऑफ इनपुट्स दी आउटपुट इज जीरो। नॉर के केस में अगर क्या है आपका, नॉर के केस में वन आउटपुट कब आता है, जब आपका इनपुट वन है, जितने भी इनपुट आप दे, सॉरी नॉर के केस में आपका आउटपुट वन कब आता है, जब आपके जितने भी इनपुट्स हैं वो जीरो हैं, ओके। और उस अगर इनपुट का और कोई कॉम्बिनेशन है तो आपका आउटपुट हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। अब इसको आप टेबल की हेल्प से समझो, आपके का ये है टू इनपुट नॉर गेट है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास दो इनपुट हैं ए एंड बी, फोर कॉम्बिनेशंस बने हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इन दोनों पे और गेट अप्लाई किया, तो जीरो प्लस जीरो आपका जीरो आ गया, बाकी कॉम्बिनेशन में जीरो वन में वन, देन वन, देन वन, ठीक है। ये आपने सबसे पहले इसके ऊपर और गेट अप्लाई किया। अब और गेट के रिजल्ट को आपको इन्वर्ट करना है, ये बन जाएगा आपका नॉर गेट, नॉर गेट का रिजल्ट, ठीक है। तो आपने इसको इन्वर्ट किया तो जीरो का क्या हो गया, वन, ठीक है। तो अगर आपके पास इनपुट जितने भी हैं वो जीरो हैं तो आपका रिजल्ट वन है, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन है तो आपका रिजल्ट क्या है, जीरो जीरो जीरो। तो सिंपल क्या करना है, और गेट का रिजल्ट आया उसको इन्वर्ट करना है, तो जीरो की प्लेस पे वन आ गया, वन जीरो वन जीरो वन जीरो, उसका उल्टा हो गया, ठीक है, ओके, समझ आया। और आप अगर यहाँ पे, तो मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला कॉलम ज्वाइन किया, नहीं तो आप सीधा का सीधा आप इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो ये क्या होगा, अगर आपके दोनों इनपुट जीरो हैं तो ही रिजल्ट वन आएगा, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन हो, वन वन का कॉम्बिनेशन हो, वन जीरो का कॉम्बिनेशन हो, जीरो वन का कॉम्बिनेशन हो, आपका रिजल्ट जीरो आएगा। लेकिन ये ट्रुथ टेबल आपको याद ना हो, अगर इजिली याद ना हो, तो इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है, पहले दोनों का क्या करना है, आपको आपको और गेट का रिजल्ट निकालना है, उसके बाद उस रिजल्ट को आपको इन्वर्ट कर देना है, नॉट कर देना है, नॉट करना है, ठीक है। तो नॉट में क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, राइट। सिंबल आपका ये है, पहले आपका और गेट है, उसमें आपने नॉट गेट को ऐड किया है, तो ये आपका नॉर गेट का सिंबल आ गया, ओके। अब देखो आपके पास थ्री इनपुट नॉर गेट है, तो आपके पास थ्री वेरिएबल्स हैं, थ्री इनपुट हैं यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट आप क्या करोगे, इनका आप निकाल लोगे और, ठीक है, फिर आप उसका क्या कर दोगे, आप उसका कर दोगे नॉट, फाइन। तो हमने पहले इसका और निकाला, अगर सारे जीरो हैं तो आपके पास जीरो आ गया, कोई भी कॉम्बिनेशन है उसके, अगर और के केस में क्या होगा तो वन आता है, तो आपके सारे वन आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसका रिवर्स करना है, जीरो था तो उसका वन हो गया, बाकी जो वन था उसका आपने जीरो कर दिया, ठीक है। ये आपका किसका रिजल्ट है, ये आपका नॉट का रिजल्ट है, आपने जो और आपका और का रिजल्ट आया था उसको आपने नॉट कर दिया, नॉट कर दिया, नॉट क्या होता है, इन्वर्ट कर देता है रिजल्ट को, ओके। तो ये आपका क्या बन गया, नॉर, दिस हैज बिकम नॉर नाउ, फाइन। बहुत इजी तरीका है समझने का, ठीक है। सिंबल आपका ये है, आपने एक्स वाई जी, आपने तीन इनपुट दिए और ये आपके पास आउटपुट आ गया है, ओके। नेक्स्ट वी हैव नैंड गेट। नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है, एंड गेट का और नॉट गेट का, ओके। दे आर कनेक्टेड इन कैस्केड फॉर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटेड एंड गेट। नैंड गेट को नेगेटेड एंड गेट भी कहा जाता है या इन्वर्टेड एंड गेट भी कहा जाता है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, सिंबल यहाँ पे देखो, आप सिंबल में आपका एंड गेट प्लस नॉट गेट मिलकर बना आपका नैंड गेट, राइट, ओके। अब देखो इसके ट्रुथ टेबल देखेंगे, अगर हम टू इनपुट आपकी ट्रुथ टेबल है, आपके पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, तो सबसे पहले आप क्या अप्लाई करोगे, आप एंड गेट, एंड गेट को अप्लाई करोगे। एंड गेट को आपने अप्लाई किया तो एंड गेट क्या होता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, जीरो कहीं आपका वन कब आएगा, जब दोनों इनपुट वन है, अदरवाइज आपका जीरो आएगा। तो आपने क्या किया, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो एंड वन वन वन, ओके। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, नॉट इसके रिजल्ट को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, नॉट इसके रिजल्ट को इन्वर्ट कर देगा। तो आपका क्या हुआ, जीरो बन गया वन, जीरो बन गया वन, वन एंड देन जीरो, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे देखो, द नैंड गेट प्रोवाइड जीरो, नैंड गेट में जीरो आता है कब, ओनली वैन देयर ऑल इनपुट्स आर वन, अगर सारे के सारे इनपुट वन हैं तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, अदरवाइज फॉर एनी अदर इनपुट कॉम्बिनेशन इस प्रोड्यूसेस वन आउटपुट, नहीं तो किसी भी अदर कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप क्या करना है, इनपुट्स को इनपुट्स के ऊपर आपको अप्लाई करना है एंड गेट, और उस एंड गेट पर आपको अप्लाई करना है नॉट गेट, मतलब आपको एंड गेट के रिजल्ट को उल्टा कर देना है, इन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ओके। तो ये आपका सिंबल है, एंड प्लस नॉट आपका क्या बन गया, ये यहां पे नैंड गेट, राइट।
अब हमारे पास क्या है, थ्री इनपुट नैंड गेट। यहाँ पे आपके पास ट्रुथ टेबल है थ्री इनपुट नैंड गेट की। तो आपने क्या किया, जो भी आपके पास रिजल्ट था, तो आपके 8 कॉम्बिनेशंस बने। ट्रुथ टेबल आपको बनानी मैंने सिखा रखी है, ठीक है। आपने 40 लिए, 41 लिए, फिर उसके हाफ लेंगे 0011, फिर उसके हाफ नेक्स्ट कॉलम में लेंगे 0101, लाइक दिस। अब इनका देखो कॉम्बिनेशन देखो, सबसे पहले आपने एंड गेट अप्लाई किया। एंड गेट में आपका रिजल्ट 1 कब आता है, जब सारे के सारे इनपुट 1 होते हैं, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। आपने एंड गेट अप्लाई कर दिया। अब एंड गेट के ऊपर आपने क्या करना है, नॉट गेट को अप्लाई करना है। तो जो एंड गेट के रिजल्ट को इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा, तो जहां जहां 0 है वहां 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 1 आ जाएगा आपका, और जहां पे 1 है वहां पे 0 आ जाएगा। तो ये किसका रिजल्ट आ गया, आपका नैंड गेट का रिजल्ट आ गया, ठीक है, नॉट एन एंड गेट, ठीक है, ये नैंड गेट का रिजल्ट आ गया। ओके, सिंबल क्या है, यहाँ आपने 3 इनपुट से अप्लाई किए हैं, एंड वाई इज योर इनपुट, ओके, सॉरी वाई इज योर आउटपुट सिग्नल, फाइन। नेक्स्ट वी हैव XOR गेट और एक्सक्लूसिव OR गेट। ओके, द XOR गेट कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स बट प्रोड्यूसेस 1 आउटपुट सिग्नल। तो XOR गेट 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट को रिसीव करता है और 1 आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ओके, एक्सक्लूसिव OR गेट इज डिफरेंट फ्रॉम OR गेट। ओके, तो XOR गेट को आप एक्सक्लूसिव OR गेट भी कह सकते हो। एक्सक्लूसिव OR गेट OR गेट से डिफरेंट है। ओके, OR गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 फॉर एनी इनपुट कॉम्बिनेशन having one और मोर देन वंस, ठीक है। तो OR गेट के केस में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, राइट। बट XOR गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 फॉर ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशंस दैट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस। लेकिन XOR के केस में आपका इनपुट 1 तभी आएगा जब इनपुट जो आपने वैल्यूज दी हैं उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ, उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे। जैसे कि उसमें 1 हो गया, या उसमें 3 हो गए, या उसमें 5 हो गए, राइट, तब आउटपुट 1 आएगा। जैसे हम इस जो आपका 2 इनपुट XOR गेट दिया गया है, फाइन, इसमें 1 कब आया, जब आपका क्या है 0-1 है, तो 1-1 है यहाँ पर, देन अगेन 0-1, तो यहाँ पे 1 आया है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि XOR गेट 1 आउटपुट कब प्रोड्यूस करता है, जब जो इनपुट सिग्नल्स हैं, ओके, वो क्या है, उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं, राइट। और वी कैन से द आउटपुट इज 1 इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आउटपुट 1 कब आएगा, जब आपके इनपुट क्या है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे ए क्या है, 0, और दूसरा इनपुट क्या है, 1, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका आउटपुट क्या है, 1। ओके, सेम यहाँ पे ए है 1 और बी है 0, तो आपका इनपुट आया 1, राइट, ओके, बट 0, लेकिन आउटपुट 0 कब आएगा, इफ द इनपुट्स आर सेम। अगर इनपुट्स जो है दिए गए हैं वो सेम हैं, तब आपका जो आउटपुट है वो 0 आएगा। जैसे आप देखो, फर्स्ट में ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो आपका रिजल्ट क्या आया, 0। ऐसे ही लास्ट वाला देखो, ए 1 है और बी भी 1 है, दोनों इनपुट सेम है, तो आपका रिजल्ट आया 0। ओके, तो समझ आया, XOR में 1 कब आएगा, जब ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे इनपुट के अंदर। जैसे यहाँ पे ऑड नंबर, आप मैंने आपको बताया, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, राइट, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। और 0 कब आएगा, जब जितने भी इनपुट आप दे रहे हो वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। तो जब आपने इनपुट सेम दिया तब आपका 0 आया है। ओके, अब देखो, इन बूलियन अलजेब्रा दिस साइन स्टैंड्स फॉर द XOR ऑपरेशन। तो XOR ऑपरेशन के लिए ये साइन का यूज होता है। दस ए XOR बी कैन बी रिटन एज दिस। ओके, एंड यहाँ पे देखो, टू इनपुट XOR गेट का आपको सिंबल दिया है। ये थोड़ा बहुत OR गेट से मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक चीज़ एक्स्ट्रा है, राइट, एंड इसका सिंबल क्या है, डिफरेंट है। ओके, एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द XOR गेट। ओके, टू इनपुट XOR गेट की ये ट्रुथ टेबल है, राइट। अब हम देखते हैं थ्री इनपुट XOR गेट, राइट। अब देखो, जब आपके क्या है, आपका जो आपने इनपुट दिया है वो सेम है, सेम है, तो आपका क्या आ गया, 0 आ गया, फाइन। और यहाँ पे अगर आपका ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, देन 1 है तो 1 आ गया, यहाँ पे देखो 2 है, तो इवन नंबर ऑफ 1 है, तो यहाँ पे 0 आया है। ओके, देन ऑड नंबर ऑफ 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2-1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस है, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ पे 0 आ गया, फाइन। ओके, अब देखो, यहाँ पे आपका इनपुट आया है 1, फाइन,
इनपुट वन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो सेम है, आउटपुट तो सेम, सॉरी आपके इनपुट तो सेम है, लेकिन इनपुट क्या है, ऑड नंबर ऑफ वंस है इसके अंदर, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ वंस है, थ्री वन है, थ्री वन है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, वन, राइट, ओके। वन अगर आप मान लो आपका एक वन है या तीन वन है या आपके पांच वन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, वन। अब यहाँ पे देखो सिंबल दिया गया है थ्री इनपुट XOR गेट का, दिस इज थ्री इनपुट XOR गेट सिंबल, सिंपल, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका XNOR गेट, और यू कैन से एक्सक्लूसिव NOR गेट, ठीक है। XNOR गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड XOR गेट, जब आप XOR गेट को इन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, XNOR गेट, फाइन। XOR गेट फॉलोड बाय अ NOR गेट, राइट, तो इसको इन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, XOR गेट के साथ आप लगा दोगे NOT गेट, फाइन। XOR गेट के साथ आपने NOT गेट को कंबाइन कर दिया, ओके, तो आपका क्या बन गया, आपका बन गया एक्सक्लूसिव NOR गेट, और यू कैन से XNOR गेट, ओके, दिस इज योर XNOR गेट सिंबल, हम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं बनाने के लिए, ओके। XNOR produces one output. अब XNOR जो है आपका वो one output का produce करता है when the input combination has even number of ones, right? तो वहाँ पे देखो आपका जो आपने XOR गेट किया था उसमें वन कब आया था, जब इनपुट में क्या होता था, odd number of one होते थे, वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, तब वो वन आउटपुट आपको देता था, राइट। अब XNOR के गेट में क्या है, उल्टा है, क्योंकि इन्वर्टेड XOR गेट है ना, तो यहाँ पे वन कब आएगा, जब आपके इनपुट में इवन नंबर ऑफ वन होंगे, जैसे टू हो गया आपका, फोर हो गया, ओके, देन सिक्स हो गया, इवन नंबर ऑफ वन होंगे, तो आपका आउटपुट क्या होगा, वन होगा। और वी कैन से द आउटपुट इज जीरो इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट, ठीक है, अगर इनपुट डिफरेंट है तो आपका आउटपुट जीरो होगा, बट वन इफ द इनपुट्स आर सेम। वन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो द इनपुट्स आर सेम, अगर इनपुट सेम है, ओके, तो यहाँ पे वन आएगा। आपकी दो कंडीशंस दी है, एक तो इनपुट सेम हो, ठीक है, इनपुट सेम अगर नहीं है तो आपका ऑड नंबर ऑफ, सॉरी इवन नंबर ऑफ वन होने चाहिए, ओके, तो यहाँ पे आपका इनपुट सेम है तो वन आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जीरो वन, तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वन है, इवन नंबर ऑफ वन नहीं है, ठीक है, अगेन वन जीरो, आपका जीरो आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखो आपका इवन नंबर ऑफ वन है, तो आपका जो रिजल्ट है वो वन आया है, समझ में आया। ये XOR का बिल्कुल उल्टा है, फाइन। XOR में आपका वन कब आता था, जब आपके ऑड नंबर ऑफ वंस होते थे, फाइन। यहाँ पे वन कब आता है, जब आपके इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं, फाइन। अब इसकी कंडीशन क्या है, इनपुट जीरो कब आएगा, जब आपके क्या होंगे, इनपुट्स डिफरेंट होंगे, जैसे जीरो वन वन जीरो, फाइन, ओके। पर उसके केस में क्या होता था, अगर आपके इनपुट डिफरेंट होते थे तो आपका क्या आता था, वन आता था। अब यहाँ पे हम थ्री इनपुट XNOR गेट को देखते हैं, ये आपका सिंबल हो गया, जिसके अंदर थ्री इनपुट्स दिए गए हैं, ए बी एंड सी, एंड ये आपका आउटपुट निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 0 0, इसका आउटपुट वन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनपुट सेम है, जब इनपुट सेम है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा, ओके। जहाँ पे इनपुट डिफरेंट है वहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, जहाँ पे इनपुट डिफरेंट है रिजल्ट जीरो आएगा। अब देखो यहाँ पे वन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वन है, ठीक है। जो XOR होता है उसके केस में ऑड नंबर ऑफ वन होने चाहिए, XNOR के केस में इवन नंबर ऑफ वन होने चाहिए, तो आपके पास वन आ गया। अब यहाँ पे देखो इनपुट आपके डिफरेंट है और यहाँ पे ऑड नंबर है, इसलिए जीरो आ गया। अब अगेन हमारे पास टू वन है, तो ये इवन नंबर हो गया, तो आपका वन आ गया। अगेन आपके पास टू वन है, ये इवन नंबर हो गया, तो ये आपके पास वन आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे जीरो क्यों आया है, क्योंकि ये जो वन है वो क्या है, इवन नंबर ऑफ वन नहीं है, इनपुट तो सेम है बट इवन नंबर ऑफ वन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ वन, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, ओके। तो ये आपकी क्या होगी, थ्री इनपुट XNOR गेट की ट्रुथ टेबल। आप बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, और अगर आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया गया है तो आप उसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, ओके। तो हियर वी हैव लॉजिक सर्किट्स, लॉजिक सर्किट डायग्राम्स आप कैसे बनाओगे, लॉजिक सर्किट डायग्राम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट बूलियन एक्सप्रेशंस। लॉजिक सर्किट डायग्राम का यूज किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक गेट।
गेट्स, राइट। तो यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन को आप लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो, ओके। तो इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे कि आप कैसे लॉजिक सर्किट डायग्राम बना सकते हो, राइट। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है, राइट। तो सबसे पहला वर्क क्या है, आपको जितने भी बूलियन वेरिएबल्स हैं उनको लिखना है। तो मेरे पास एक बूलियन वेरिएबल है ए, राइट। एक मेरे पास हो गया बूलियन वेरिएबल बी, ओके, एंड एक मेरे पास हो गया सी, राइट। अब क्या करेंगे, हम इसको सब एक्सप्रेशन में डिवाइड कर देंगे ए बी, राइट। तो यहाँ पे ए बी क्या है मेरा, यहाँ पे इस ए और बी जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एंड गेट लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों के बीच में मैं अप्लाई कर दूंगी एंड गेट, राइट। ओके, यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में अप्लाई कर देंगे एंड गेट। तो ये आपका एंड गेट का सिंबल है, दिस इज़ योर एंड गेट, राइट। तो ये आपका क्या, ये जो आपका जो फर्स्ट था ए बी वो आ गया है ए बी, राइट। ओके, ये सब एक्सप्रेशन आ गया आपका। सेकेंड क्या है आपका, है जो सब एक्सप्रेशन है बी कॉम्प्लीमेंट सी, राइट। अब बी कॉम्प्लीमेंट सी के लिए क्या करूँगी मैं, बी के अंदर नॉट जो आपका है नॉट गेट, नॉट गेट अप्लाई करूंगी, ओके। मैंने यहाँ पे नॉट गेट का सिंबल बना दिया, तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे मेरा बी क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। आप इसको बी बार की हेल्प से भी लिख सकते हो या बी कॉम्प्लीमेंट साइन बना सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में मेरा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो सी एज इट इज आएगा, और दोनों के बीच में कौन सा गेट है आपका, एंड गेट है, राइट। दोनों के बीच में है हमारा एंड गेट, राइट। तो यहाँ पे मेरा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया और यहाँ पे मेरा सी एज इट इज़ आ गया विदाउट एनी नॉट, ओके। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के बीच में एंड गेट अप्लाई कर दिया, एंड गेट हो गया। तो अब मेरा ये सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया, कौन सा, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, ओके। ये मेरा सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब मैं अपने थर्ड एक्सप्रेशन के पास जाऊंगी, ठीक है। सब एक्सप्रेशन, नॉट एक्सप्रेशन, सब एक्सप्रेशन, हमने क्या किया, जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन था उसको सब एक्सप्रेशन में आपने डिवाइड कर लिया, ओके। तो अब हम सब एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और देन इन द एंड पूरे एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मेरा जो थर्ड सब एक्सप्रेशन है वो क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो सी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सी के अंदर नॉट गेट लगा देंगे, राइट। सी के अंदर नॉट गेट लगाएंगे हम, ऐसे हमने क्या किया, सी के अंदर यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया, सी के अंदर नॉट गेट लगा दिया, ओके। एंड ए, ए कॉम्प्लीमेंट है तो हम ए के अंदर भी नॉट गेट लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने ए के अंदर भी नॉट गेट आपको लगाना है, ये ए भी, ए के अंदर भी आपने नॉट गेट लगा दिया, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये क्या आपका हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट, ओके। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड गेट है, एंड गेट के लिए आपने क्या लगाना है, एंड गेट लगाना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे एंड गेट लगा दिया, राइट। तो इसका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो आपके पास ए बी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी आ गया, एंड सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखो इन सब एक्सप्रेशन के बीच में कौन सा गेट यूज होगा, यहाँ पे आपका यूज होगा और गेट, प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे और गेट। तो सिंपली अब जितने भी आपका एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ है इन द एंड, वो किससे ज्वाइन होंगे, वो ज्वाइन होंगे आपके और गेट से, राइट। तो हम क्या करेंगे, और गेट का यहाँ पे सिंबल बनाएंगे, और गेट का सिंबल बना लेते हैं, तो ये आपका बन गया और गेट का सिंबल, राइट, दिस इज योर और गेट, ओके। तो ये आपका आ गया वाई। अब ये रिजल्ट क्या है आपका, वाई, और जो ये वाई है वो क्या है, वो ये एक्सप्रेशन है ए बी, ए बी, राइट,
प्लस प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड देन प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। ओके, तो हमने क्या किया है, बूलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब ना हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, ये आपका क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बूलियन वेरिएबल को लिख लेंगे सिंपल। हमारे पास दो ही बूलियन वेरिएबल है इसके अंदर, ए एंड बी, राइट। ओके, अब सब एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो सब ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी कौन सा गेट यहाँ पे यूज होगा, और गेट यहाँ पे यूज होगा, तो मैंने यहाँ पे यूज किया ए बी यहाँ पे मेरा हो गया और गेट यूज, ठीक है, और गेट यूज हो गया, ठीक है। आप जब इसको नोटबुक में बनाओगे तो अच्छे से बनाओगे, राइट। यहाँ पे तो थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं बन रहा है, ए प्लस बी, तो ये अब मेरा क्या रिजल्ट आएगा इसका, ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी आ गया आपका। अब सेकंड एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ और मैं इसको अलग से भी बना सकती हूँ। यहाँ पे अगेन मैं ले लेती हूँ, चलो ए ले लिया मैंने और बी ले लिया, राइट, ए एंड देन बी। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या करूँगी, बी के अंदर नॉट गेट लगा दूंगी, ओके। और इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें प्लस निकालना है, मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे और गेट लगेगा आपका। ओके, ये आपने किया, यहाँ पे आपका ये और गेट लग गया, फाइन। और इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि बी में आपने क्या लगाया है, नॉट गेट लगाया है, राइट। अब देखो, आपने ये सब एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया, ये कर लिया, अब इनके बीच में क्या है, डॉट डॉट किसका सिंबल है आपका, एंड गेट का, राइट। तो इन द एंड कौन सा गेट आप अप्लाई करोगे, आप एंड गेट अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये जाके कहाँ मिलेंगे, एंड गेट पे मिलेंगे, राइट। तो इन दोनों के बीच में आपने क्या अप्लाई करना है, आपने करना है एंड गेट को अप्लाई, ठीक है, ये आपने एंड गेट, या फिर आप ऐसे करके बना, चलो कोई नहीं, ऐसे बना लिया आपने, एंड गेट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये आपका एंड गेट का सिंबल आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, राइट, एंड गेट। तो अब आपका रिजल्ट क्या आ गया, आपका रिजल्ट आ गया ए प्लस बी, ओके, डॉट, सॉरी, डॉट एंड ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ओके, इस बूलियन एक्सप्रेशन के लिए मैं दूसरे तरीके से भी लॉजिक सर्किट डायग्राम क्रिएट कर सकती थी, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ए, ठीक है, और बी, दो ही वेरिएबल लिए, राइट। यहाँ पे आपने फर्स्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे ए प्लस बी हम ले रहे हैं, ए प्लस बी, तो यहाँ पे गया मेरा ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स आपको यहाँ पे लगाना है और गेट, राइट, ये आपने और गेट लगा दिया, ये आपका और गेट है, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए प्लस बी, ये तो आपका सब एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, ए प्लस बी, राइट। अब सेकंड क्या है, ए प्लस बी नॉट, ठीक है, सॉरी, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए तो हमने यहाँ से ले लिया, ऐसे ले लेंगे ए, और बी का हम क्या लगा देंगे, बी के अंदर हम लगा देंगे नॉट वेरिएबल, नॉट गेट, नॉट वेरिएबल नहीं, नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए को तो एज इट इज ले लिया, और बी के अंदर आपने क्या किया है, नॉट गेट लगा दिया है, ये आपका बी। तो नॉट गेट लगाने के बाद क्या बन गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। ओके, अब इसके अंदर आपको क्या लगाना है, इसके अंदर आपको और गेट लगाना है, राइट। तो आपने जो बूलियन वेरिएबल ए एंड बी लिए, सिर्फ ए की बढ़ लिए, ठीक है। तो ये आपका बन गया यहाँ पे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट,
ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सिंपल. अब आपको क्या लगा देना है इनके साथ, एंड गेट, एंड गेट लगाना है. ठीक है, एंड गेट लगा देंगे इन द एंड. इन द एंड आपने लगा दिया एंड गेट, दिया आपका आ गया एफ. एफ आपका क्या है, रिजल्ट. और रिजल्ट क्या आएगा आपका, दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, समझ में आ गया. तो एक एक आपका आपके पास मेथड ये था जहाँ पे मैंने ए बी एंड ए बी दो बार लिया, बुलियन वेरिएबल्स को ऐसे सॉल्व किया इसको. या फिर आप क्या करोगे, सिंपल ए बी जो बुलियन वेरिएबल है वन टाइम लो और उसको सॉल्व कर लो. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लॉजिक सर्किट देखेंगे. ओके, अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ओके, एंड ए प्लस डी, और ये पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट, राइट. अब क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम होता है वो हमें क्या करना होता है, बुलियन वेरिएबल्स को लिखना. तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, ठीक है, और मेरे पास क्या है, बी है, राइट, और मेरे पास सी है, और मेरे पास डी है. सबसे पहले बुलियन वेरिएबल्स को लिखा. अब हम क्या करेंगे, उसके सब एक्सप्रेशंस को देखेंगे. तो सबसे पहले मेरे पास क्या, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए वेरिएबल में आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे नॉट गेट. ए कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट, तो अब ये मेरे पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, राइट. सेकेंड क्या है, बी, बी आपका एज इट इज़ है. देन सी आपका एज इट इज़ है. अब देखो इन तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है, राइट. इन तीनों के बीच में एंड गेट लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों के बीच में एंड गेट को अप्लाई करोगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने किया एंड गेट को अप्लाई, ये मेरा एंड गेट आ गया. ठीक है, तो आपका अभी क्या हो गया, आपका जो सब एक्सप्रेशन था, कौन सा वाला, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ये सॉल्व हो गया, राइट. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपका क्या दिया, ए प्लस डी, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट किया है. तो हम पहले क्या करेंगे, ए प्लस डी बना लेते हैं. मतलब ए आपने ए लिया यहाँ से, ए राइट, एंड डी को लिया, और इन दोनों के बीच में कौन सा आपका गेट है, आपका है और गेट, राइट, और गेट है, तो हम और गेट लेंगे यहाँ पे, और गेट, और गेट आपने अप्लाई किया, तो ये आपका पास का कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी आ गया, राइट. अब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगा देंगे नॉट गेट, नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब देखो इन, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था और सेकंड एक्सप्रेशन हम जो हमने जो सॉल्व किया है, उनके बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, उनके बीच में लगा हुआ है एंड गेट, राइट, मल्टीप्लीकेशन है, एंड गेट. तो इन द एंड हम क्या अप्लाई करेंगे, एंड गेट को अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये आपका आ गया एंड गेट, और ये आपका रिजल्ट आ गया, आपका एक्स, एक्स क्या है आपका, दिस, दिस इज योर रिजल्ट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, बी सी एंड देन ए प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, राइट. सो दिस इज योर लॉजिक सर्किट डायग्राम. ओके, अब हम, हमारे पास क्या दिया हुआ है, लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, राइट. तो कैसे आप निकालोगे, देखो सबसे पहले आप वेरिएबल्स देखो, हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ओके, और इसके ऊपर कौन सा सर्किट, सॉरी कौन सा गेट अप्लाई किया गया है, इस पर अप्लाई किया गया है नैंड गेट, राइट. ये किसका सिंबल, ये देखो ये आपका होता है एंड गेट का सिंबल, ये आपका एंड गेट का सिंबल है, राइट. और ये आपका किसका सिंबल है, ये आपका है नैंड गेट का सिंबल, राइट. तो जो आपका नैंड गेट होता है वो क्या करता है, एंड गेट के रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है, अपोजिट कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए बी, वैसे अगर एंड गेट अप्लाई करते तो क्या होता, ए डॉट बी आता, या फिर आप सिंपल ए बी लिख सकते हो.
अब नैंड गेट अप्लाई किया गया है तो आपका क्या आएगा, ये ए बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि इसके रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है, राइट। तो यहाँ तक के एक्सप्रेशन में आपका, इसके बाद इसका क्या आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब देखो नैंड गेट के बाद सिंपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी, ठीक है, और बी को आपने ज्वाइन किया ए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, आप किसको ज्वाइन कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, आप बी को प्लस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने और गेट लगाया है, तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या आएगा, यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन आएगा आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, क्योंकि यहाँ पे आपने और गेट का यूज किया है, ये क्या आएगा, प्लस बी, राइट। तो जो आपका ये आपका सर्किट डायग्राम दिया गया है उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ओके। नाउ एक एग्जांपल और देखते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया गया है बूलियन, आपको सर्किट डायग्राम दिया है, बूलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो मेरे पास तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, और तीनों के साथ क्या अप्लाई किया है आपने, आपने किया यहाँ पे एंड गेट को अप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका रिजल्ट, ए बी सी, ये रिजल्ट आ जाएगा एंड गेट अप्लाई करने के बाद, ये लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, राइट, ओके। अब हम जरा इधर देखते हैं, ये आपका फर्स्ट गेट हमने सॉल्व कर लिया, अब सेकेंड देखो, यहाँ पे ए एज इट इज आ रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये आपने सी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, सी का कॉम्प्लीमेंट, और बी और सी के कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या किया है, और गेट को अप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, राइट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो, और ये सिंपल ए एज इट इज आएगा। अब इन तीनों वेरिएबल के बीच में आपने क्या अप्लाई किया, एंड गेट अप्लाई किया है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, जो एंड गेट का रिजल्ट है वो कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है, ए, क्योंकि ए और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट के बीच में आपने एंड गेट को अप्लाई किया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ये आ गया आपका ए मल्टीप्लाइड विथ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे, अब एक एक हमारे पास एक्सप्रेशन ये निकल के आया, एक हमारे पास एक्सप्रेशन ये निकल के आया, और इन दोनों के बीच में आपने क्या अप्लाई किया है, और गेट अप्लाई किया है, तो जो आपकी कंप्लीट बूलियन एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये वाला सब एक्सप्रेशन, ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर एक्सप्रेशन, राइट, समझ में आ रहा है, फिर से लिख दूँ, ए बी सी, राइट, प्लस ए देन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो दिस इज योर बूलियन एक्सप्रेशन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर बूलियन एक्सप्रेशन दिया है तो लॉजिक सर्किट आप क्रिएट कर सकते हो, और अगर लॉजिक सर्किट दिया है तो आप उसका बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हो, मतलब लिख सकते हो, ओके। डी मॉर्गन्स थ्योरम्स क्या है? अ फेमस मैथमेटिशियन डी मॉर्गन इन्वेंटेड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ बूलियन एलजेब्रा। डी मॉर्गन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बूलियन एलजेब्रा की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को इन्वेंट किया, ओके। द टू थ्योरम्स यूजेस द रूल्स फॉर एंड नॉट एंड और फंक्शंस, और ये दोनों थ्योरम्स एंड नॉट एंड और फंक्शंस के रूल्स को यूज करती हैं, ओके। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंक्शंस वन बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एक बूलियन एक्सप्रेशन दूसरे बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फंक्शन, राइट, एंड नॉट एंड और फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को यूज करके आप बूलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम. अब हम देखेंगे डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम क्या है. ओके, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर एंड देन कॉम्प्लीमेंटेड, अगर आप दो या दो से ज़्यादा बूलियन वेरिएबल पर एंड फंक्शन अप्लाई करते हो और उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हो. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है ए एंड बी, आपके पास दो बूलियन वेरिएबल है, उन पर आपने क्या किया है, पहले उनके बीच में एंड फंक्शन अप्लाई किया है. जो डॉट है वो किसका फंक्शन है, वो किसका सिंबल है, एंड फंक्शन का, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया. राइट, तो ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द ऑर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल. ये किसके इक्वल है, और फंक्शन अप्लाई होगा और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल. मतलब आपके जो दोनों वेरिएबल हैं उसके उसको क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना है एंड देन उनका क्या, उनके बीच में कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, और फंक्शन लिखा हुआ है ना, इट इज़ इक्वल टू द और ये प्लस किसका सिंबल है, और का, और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल. जो दो दोनों वेरिएबल हैं वो दोनों क्या है, दोनों का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. राइट, तो फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या कह रही है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में एंड ऑपरेटर या एंड फंक्शन अप्लाई करते हो और उसके रिजल्ट को आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, तो ये किसके रिजल्ट के इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा कि अगर आप दोनों वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर देते हो. राइट, ओके, एंड दोनों के बीच में आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करते हो, आप और फंक्शन अप्लाई करते हो. राइट, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको देखो, सबसे पहले एक मेथड होता है आपका ट्रुथ टेबल के थ्रू. राइट, आपके पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी. ओके, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये हमारे पास फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2^2 हो गया, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे. ओके, तो फर्स्ट टू जीरो आगे एंड सेकेंड आपके पास वन आ गए, सेकेंड टू आपके पास वन हो गए आ गए. ठीक है, ऐसे आप ट्रुथ टेबल क्रिएट करते हैं. मैंने ये ट्रुथ टेबल जब बनाना सिखाया था, आपको बताया था कैसे बनानी है. राइट, अब देखो सेकंड जो आपका वेरिएबल है बी, उसमें आप क्या करोगे, 1 0, ओके, एंड 1 1 1 0 एंड 1 1. ठीक है, अब आपके दो वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं. राइट, ओके, अब हमें क्या करना है, ए एंड बी हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं, इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है एंड फंक्शन. ओके, एंड फंक्शन अप्लाई कर दिया. एंड फंक्शन में क्या होता है, जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू 1 है तभी आपके पास 1 आएगा, अदरवाइज आपके पास 0 आएगा. तभी तो आपको एंड फंक्शन को क्या कहा जाता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है. तो 0 0 0 आ गया आपके पास. ठीक है, 0 1 0 1 0 0. 1 कब आएगा, जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 1 होगी. राइट, तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, किसका आ गया, दो वेरिएबल के बीच जब आपने एंड फंक्शन को अप्लाई किया है. राइट, अब आपको क्या करना है, एंड फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट करना है. कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है, आप इसको रिवर्स कर दोगे, जो भी रिजल्ट आया है उसको आप रिवर्स कर दोगे. कॉम्प्लीमेंट किसका सिंबल होता है, ये आपका नॉट ऑपरेटर का होता है. राइट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप इसको उल्टा कर दोगे. राइट, ओके, अब यहाँ पे आपने क्या किया, 0 का हो गया आपके पास 1 1 1 एंड 0 हो गया. आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू थी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, वो आपके पास आ चुकी है. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 1 1 0. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है क्या ये इक्वल है, किसके इक्वल है, और ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल. राइट, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला. ए का कॉम्प्लीमेंट क्या, ए की वैल्यूज क्या है, 0 0 1 1. तो हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया. ओके, तो ये हमारे पास क्या है, 1 1 0 0. फाइन, फिर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला. बी का क्या है, 0 का हो गया आपका 1 1, का आपके पास हो गया 0. ठीक है, उसका अपोजिट करना है आपको. ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया. अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में और फंक्शन को अप्लाई करना है. तो हमने यहाँ पे और फंक्शन अप्लाई किया. अच्छा, जब आप और फंक्शन अप्लाई करते हो तो अगर दोनों में से एक भी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 1 मिलता है. ओके, अगर दोनों वेरिएबल 0 हैं उस केस में 0 आएगा, अदरवाइज अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो आपके पास 1 आएगा. तो 1 1 1 आ गया आपके पास, 1 0 1 आ गया आपके पास, 0 1 1 आ गया आपके पास, एंड 0 आ गया. राइट, अब यहाँ पे देखो आप, ए डॉट बी बार का रिजल्ट क्या था, 1 1 1 0, एंड ए कॉम्प्लीमेंट
ओके प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट भी क्या है 1110, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो यहाँ पे आपने डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम को प्रूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, राइट। तो फर्स्ट थ्योरम क्या थी, व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर एंड एंड कॉम्प्लीमेंटेड, अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में आप एंड फंक्शन अप्लाई करोगे और उसको कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू द और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल मतलब दोनों वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे और उनके बीच में जब और फंक्शन अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपकी जो ये फर्स्ट थ्योरम है डी मॉर्गन की, उसको आपने ट्रुथ टेबल की हेल्प से वेरीफाई कर दिया क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या है, इक्वल है। फाइन, आप देखेंगे और इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखो, गेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, अगर आप गेट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो, आपने क्या किया, दो वेरिएबल लिए हैं ए बी, उस पर आपने क्या अप्लाई किया है, एंड फंक्शन अप्लाई किया है, राइट। आपने एंड फंक्शन अप्लाई कर दिया, देन आपने क्या किया है, नॉट फंक्शन को अप्लाई किया है, तो आपके पास आ गया ए बी बार, राइट। ये आपका ए बी बार आ गया। अब आपको ये किसके इक्वल शो करना है, आपको इस आपको शो करना है ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले आपने ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ओके, एंड ये आपका ए बार आ गया, बी बार आ गया, एंड देन आपने इन दोनों को कहाँ अप्लाई कर दिया, आपने इसको अप्लाई कर दिया और गेट के अंदर, और गेट के अंदर अप्लाई कर दिया, राइट। तो आपका आ गया ए बार प्लस बी बार, ओके। तो ये आपने क्या किया, गेट के फॉर्म में शो किया डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम को कि ए बी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरम ऑफ डी मॉर्गन, ओके। नाउ वी हैव प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स की फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय यूजिंग बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, राइट। तो आपको पता है डी मॉर्गन्स की फर्स्ट थ्योरम क्या है, व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर एंड एंड कॉम्प्लीमेंटेड, जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर एंड फंक्शन अप्लाई करते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू द और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, ठीक है। और ऑफ द, और यहाँ पे और फंक्शन अप्लाई होगा, और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, ईच वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होगा, उनके बीच में और फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, राइट। वी नो दिस थ्योरम, अब इसको प्रूव करेंगे, राइट। अगेन टू प्रूव दिस थ्योरम वी विल मेक यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, तो यहां पे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ का यूज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ क्या है, ये लॉ है जब एक बूलियन वेरिएबल, यहां पे देखो एग्जांपल से देखो, व्हेन एक्स प्लस एक्स बार, अगर एक वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट के बीच में आप क्या अप्लाई करते हो, आप और फंक्शन अप्लाई करते हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वन, ठीक है। एक्स एक वेरिएबल है, ओके, एंड आपने क्या है, एक्स प्लस एक्स बार, राइट। जब आप एक वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में और फंक्शन अप्लाई करते हो तो रिजल्ट आएगा वन, ओके। ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, ओके। और सेकंड इसका जो लॉ है वो क्या है, जब आप एक वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में एंड फंक्शन अप्लाई करते हो, राइट, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, जीरो, ओके। तो इस लॉ को यूज़ करके आप डी मॉर्गन्स की फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे, फाइन, ओके। तो ये आपने अच्छे से देख लिया, व्हेन एक्स प्लस एक्स, अगर आप एक्स प्लस एक्स बार करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा वन, अगर आप एक्स इंटू एक्स बार करते हो, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा ज़ीरो, ओके। यहाँ पे प्लस क्या है, और फंक्शन है, एंड यहाँ पे डॉट क्या है, एंड फंक्शन है, राइट। अब हमने एक वेरिएबल लिया पी, पी इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, ठीक है, हमने पी को क्या वैल्यू दी, एक्स डॉट वाई, ओके, एंड आपने पी, अगर आपने पी की वैल्यू दी है एक्स डॉट वाई, तो पी जो आपका पी कॉम्प्लीमेंट है, पी बार है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स डॉट वाई बार, ओके। एक वेरिएबल लिया आपने पी और उसकी वैल्यू आपने क्या इनिशलाइज कर दी, उसकी आपने इनिशलाइज कर दी एक्स डॉट वाई, राइट, एक्स डॉट वाई आपने इसकी वैल्यू दे दी है। तो अगर आपने पी की वैल्यू एक्स डॉट वाई दी है, तो पी बार की वैल्यू क्या होगी, एक्स डॉट वाई बार, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डॉट वाई, ओके। नाउ पी एक्स वाई आर द लॉजिकल वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हमारे पास पी एक्स एंड वाई क्या है, आप कह सकते हो लॉजिकल वेरिएबल्स हैं या बूलियन वेरिएबल्स हैं, ओके। देन अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू वन एंड एक्स इंटू एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो वी हैव। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव, अब यहाँ पे देखो हमने इस लॉ को फॉलो किया, तो अब यहाँ पे हमने एक्स की जगह क्या ले लिया, पी, पी प्लस पी बार इज इक्वल टू वन एंड पी
इन टू पी बार इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। और पी की वैल्यू हम पहले ले चुके हैं, एक्स डॉट वाई ले चुके हैं, ओके। सिंपली हमने क्या किया है, पी को पुट किया है कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ के अंदर, ठीक है। पी प्लस पी बार इक्वल टू इज इक्वल टू वन एंड पी डॉट पी बार इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। अब सब्सटीट्यूट एक्स डॉट वाई फॉर द पी, अब हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड पी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे पी के प्लेस पर हमने उसकी वैल्यू लगा दी, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार, ठीक है। पी प्लस पी बार एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार इज इक्वल टू वन, ठीक है। पी की वैल्यू आपने प्लेस कर दी है, ऐसे यहाँ पे एक्स डॉट वाई इंटू एक्स डॉट वाई बार इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। बट अकॉर्डिंग टू द, लेकिन हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, एक्स डॉट वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, तो डी मॉर्गन थ्योरम हमारी ये है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम को जो भी अबव एक्सप्रेशन आया है उसमें अप्लाई कर देंगे। हमारा अबव एक्सप्रेशन क्या है, एक्स इंटू वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई या एक्स डॉट वाई बार इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो एक्स डॉट वाई बार आपका क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है आपका एक्स बार प्लस वाई बार। तो हमने यहाँ पे एक्स डॉट वाई बार के प्लेस पे लिख दिया एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल्स टू वन, राइट। ये हमारा आ गया फर्स्ट थ्योरम में, हमने इसको अप्लाई कर दिया, डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर दिया फर्स्ट एक्सप्रेशन में। अब सेकंड एक्सप्रेशन क्या है आपका, x डॉट वाई, ये जो डॉट क्या है वो एंड फंक्शन है, इसको याद रखना, ठीक है। x डॉट वाई, ओके, डॉट x डॉट वाई बार इक्वल्स टू जीरो, तो x डॉट वाई आपका क्या होता है, x बार प्लस वाई बार, तो हमने यहाँ पे x बार प्लस वाई बार इक्वल्स टू जीरो, दोनों के अंदर आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब इसको प्रूव करेंगे वन बाई वन, राइट। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये है, ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, एक्स वाई प्लस आपका क्या है, एक्स बार प्लस वाई बार, राइट, ओके। अब यहाँ पे हम कॉम्यूटेटिव लॉ सबसे पहले अप्लाई करेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, एक्स प्लस वाई को आप वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हो, या एक्स डॉट वाई को आप वाई डॉट एक्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने जैसे मान लो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, तो हम इसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वाई को पहले लिख दिया, एक्स को बाद में लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो x प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस एक्स वाई, ठीक है, आपने क्या किया, इनका प्लेस चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर आपने x को प्लस किया है yz से, तो आप ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पहले x प्लस होगा y से, x प्लस वाई, फिर x आपका प्लस होगा z से, x प्लस z, ठीक है, x प्लस वाई इंटू इंटू एक्स प्लस z, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया था एक्सप्रेशन x बार प्लस वाई बार, ओके, प्लस वाई एक्स वाई। तो जो हमारा x बार प्लस वाई बार है, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हम इसको x कंसीडर करेंगे। तो पहले ये किससे प्लस होगा, ये पहले प्लस होगा x से, ठीक है, फिर ये प्लस होगा y से। देखो, पहले आपने x बार प्लस वाई बार को प्लस किया x से, इंटू x बार प्लस वाई बार को आपने प्लस किया y से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लगा दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, x x को एक साइड में ले आएंगे, x प्लस एक्स बार प्लस वाई बार, राइट, x बार प्लस वाई प्लस वाई बार, ठीक है, हमने x n x बार n y n y बार को एक साइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ लगाएंगे, वो क्या है, x प्लस एक्स बार वन होता है एंड x प्लस x इंटू एक्स बार आपका जीरो होता है। तो हमारा x प्लस एक्स बार है वो वन हो गया, y प्लस वाई बार है वो भी वन हो गया, राइट, ओके। अब देखो, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ वन का यूज़ करेंगे। वन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर वन प्लस एक्स है तो रिजल्ट वन आएगा, वन प्लस एक्स बार है तो आपका रिजल्ट वन आया, वन प्लस एक्स यहाँ पे सॉरी वन प्लस वाई बार है तो आपका रिजल्ट वन आया, एक्स बार प्लस वन है तो भी रिजल्ट आपका वन आया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, वन प्लस एक्स आपने किया तो वन आया है, अगर वन इंटू एक्स करते तो आपका एक्स आता, यहाँ पे इंटू नहीं है, प्लस हुआ है तो वन वन आ गया। अब वन इंटू वन क्या आता है, होता है आपका वन होता है। तो हमारी जो फर्स्ट पार्ट थी थ्योरम का वो प्रूव हो गया है, ठीक है, आपका वन आ गया रिजल्ट, तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट आपका क्या है, एक्स वाई इंटू आपका क्या है, एक्स बार प्लस वाई बार, एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। अब आपने इसको क्या किया, कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखो, एक्स वाई इंटू एक्स बार प्लस वाई बार आपने कर लिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लगाएंगे।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या कहता है, अगर आपका एक्स इंटू वाई प्लस डी है, तो यहाँ पे एक्स वाई हम एक्स कंसीडर कर रहे हैं, वाई प्लस डी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स वाई प्लस एक्स डी ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स वाई किस सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपका एक्स बार के साथ, प्लस एक्स वाई वाई सेकेंड टाइम वो किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई बार के साथ, वाई बार, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हमने कर दिया एक्स वाई एक्स बार, एक्स वाई वाई बार, ठीक है, प्लस बीच में प्लस का साइन आएगा। तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस जो आपका एक्स एंड एक्स बार है आप उसको आपने एक साइड में कर दिया वाई, ओके, एंड यहाँ पे देखो वाई प्लस, देखो एक्स एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई 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 बार, ओके okay, अब आपको पता है यहाँ पे देखो अगर x इंटू एक्स बार है तो ज़ीरो हो जाएगा, तो x इंटू एक्स बार आपका ज़ीरो हो गया एंड y इंटू वाई बार भी आपका ज़ीरो हो गया, राइट और अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी आप किसी भी वेरिएबल को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इंटू कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो इंटू वाई ज़ीरो हो गया एंड ज़ीरो इंटू वाई आपका ज़ीरो हो गया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आपका ज़ीरो हो गया, तो आपका सेकेंड जो पार्ट था वो भी प्रूव हो गया डी मॉर्गन्स के फर्स्ट थ्योरम का, राइट। अब हम करेंगे डी मॉर्गन्स की सेकेंड थ्योरम, ओके। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड थ्योरम गिवन बाय द डी मॉर्गन, व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर, और अगर आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में और फंक्शन अप्लाई करते हो एंड देन कॉम्प्लीमेंटेड, आपने क्या किया, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में और फंक्शन अप्लाई किया और उसके रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ए प्लस बी और उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द एंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल इंडिविजुअली, राइट। तो ये किसके इक्वल है, जब आप उन वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के बीच में एंड फंक्शन को अप्लाई करोगे, राइट। ए प्लस बी बार का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा, ए बार इंटू बी बार के इक्वल होगा, राइट। तो पहले हम इसको ट्रूथ टेबल की हेल्प से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है ए एंड बी, ए की वैल्यूज हैं 0011 एंड बी की वैल्यू है 0101, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में और फंक्शन को अप्लाई करेंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो और फंक्शन का क्या आपके रूल्स होते हैं, आपका रिजल्ट ज़ीरो तभी आएगा जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, अदरवाइज वन आएगा, तो 0000 011 011 एंड 011, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ज़ीरो के प्लेस पे वन आ गया, बाकी आपका जहाँ पे 111 था वहाँ 000 आ गया है आपका, तो ये हमारा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी बार का आपका रिजल्ट आ गया है, राइट। अब हमें इसको किसके इक्वल शो करना है, ए बार इंटू बी बार के इक्वल शो करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, बी को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ए की वैल्यू को आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 00 के प्लेस पे 11 आ जाएगा और 11 के प्लेस पे आपका 00 आ गया, ऐसे ही आपने बी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1010, राइट। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या अप्लाई करना है, आपको एंड फंक्शन अप्लाई करना है, तो एंड फंक्शन में का जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इनकी वैल्यू 1 तभी आएगी जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0, तो 111 100 010 and 0, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ गया 1000। अब देखो ये किसके इक्वल है, ये ए प्लस बी बार के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रूथ टेबल की हेल्प से तो ये प्रूव कर दिया है कि ए प्लस बी बार का जो रिजल्ट होगा वो ए बार इंटू बी बार के इक्वल होगा, राइट। हमने ट्रूथ टेबल की हेल्प से इसको शो कर दिया। अब अगर आपको आप इसको गेट की फॉर्म में शो करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल हैं ए बी, जिनको आपने एंड सॉरी जिनको आपने और गेट के अंदर अप्लाई किया है, ठीक है। और तो यहाँ पे रिजल्ट आया आपका ए प्लस बी, राइट। फिर आपने नॉट यहाँ पे लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो आपका रिजल्ट आ गया ए प्लस बी बार। तो ये नॉर गेट एक्चुअल में क्या है, नॉर गेट है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लेकर उसे कहाँ अप्लाई किया है, एंड गेट में अप्लाई किया है, ठीक है, एंड गेट में अप्लाई किया है, तो आपका क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आपका डी मॉर्गन्स की सेकंड थ्योरम का गेट इम्प्लीमेंटेशन है। अब हम डी मॉर्गन्स की सेकंड थ्योरम को यूज़ करेंगे बूलियन अलजेब्रा की बेसिक थ्योरम्स को यूज़ करके, ठीक है। तो हमारे पास डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम है एक्स प्लस वाई बार इक्वल्स टू एक्स बार इंटू वाई बार, राइट। टू प्रूव दिस थ्योरम वी विल यूज़ द कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। यहाँ पर भी हम कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ का यूज़ करेंगे, जो क्या कहता है कि एक्स प्लस एक्स बार इक्वल्स टू वन एंड एक्स इंटू एक्स बार इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अ लॉजिकल वेरिएबल एक्सप्रेशन व्हेन एडेड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को उसके कॉम्प्लीमेंट से
ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1. व्हेन मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट एज 0. अगर हम किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया p और p की वैल्यू आपने ले ली x प्लस वाई, राइट. ओके, अब आपके पास तीन वेरिएबल्स हो गए p, x एंड y. ये क्या है, बूलियन वेरिएबल्स हैं. देन अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, अब हमने क्या किया, p की वैल्यू को पुट कर दिया कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ के अंदर. कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ क्या है, x प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, p प्लस पी बार इक्वल्स टू 1 एंड p इंटू पी बार इक्वल्स टू 0, राइट. अब p की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, राइट. तो जहाँ पे p की वैल्यू है वहाँ पे आप क्या कर दोगे, x प्लस वाई, और जहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1. यहाँ पे हमने क्या किया, p की वैल्यू को पुट किया है, ऐसे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, राइट. बट हमारी डी मॉर्गन्स की थ्योरम क्या कहती है, सेकेंड थ्योरम क्या है, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट. ये हमारी डी मॉर्गन्स की थ्योरम है. तो हमने क्या किया, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. तो x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट की जगह आप लिख दोगे x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट. सेम यहाँ पे हमने क्या किया है, x प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट, जो आपका ये था सेकेंड पार्ट, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट था, इसके प्लेस पे आपने x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट पुट कर दिया. जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसमें भी हमने क्या किया है, डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई किया. देखो यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई किया है. ऐसे जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसमें भी हमने डी मॉर्गन थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है. फाइन, अब इसको हम क्या करेंगे, 1 by 1 प्रूव करेंगे. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स बार इंटू वाई बार इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, x प्लस वाई जी अगर आपका है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी, राइट. तो यहाँ पे जो हमारा x प्लस वाई है वो एज अ x कंसीडर होगा, राइट. तो आपका x प्लस वाई प्लस एक्स बार पहले इसके साथ आया इंटू x प्लस वाई प्लस वाई बार, फिर ये किसके साथ आया, ये y के साथ आया, राइट. ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस एक्स बार को एक तरफ कर दिया प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई बार, इनको एक साथ कर दिया. अब देखो x प्लस एक्स बार क्या होता है, 1 होता है. तो x प्लस एक्स बार आपका 1 हो गया एंड y प्लस वाई बार भी आपका 1 हो गया. ठीक है, अब 1 प्लस एक्स आपका क्या होगा, 1 होता है. तो 1 प्लस वाई आपका 1 हो गया, x प्लस 1 आपका 1 हो गया. ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टी ऑफ 1 को अप्लाई कर दिया. 1 into 1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया. तो आपका देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है. अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे. सेकेंड पार्ट का आपका क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू आपका x प्लस वाई इंटू क्या है आपका x बार इंटू वाई बार, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, हमने इसको ऐसे किया, राइट. अब यहाँ पे हम कॉमिटेटिव लॉ लगाएंगे. कॉमिटेटिव लॉ क्या बोलता है, आपका x प्लस वाई को आप y प्लस एक्स भी लिख सकते हो एंड x इंटू वाई को आप y इंटू एक्स भी लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका प्लेस चेंज कर दिया. x प्लस वाई को हमने क्या कर दिया, y प्लस एक्स, या सॉरी आपने क्या किया, x इंटू वाई को आपने कर दिया y इंटू एक्स. तो ये हमारा, मान लो ये हमारा x था, ये हमारा y था. तो अब हमारा क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स, ऐसे आ जाएगा y इंटू एक्स. ठीक है, प्लेस चेंज हो गया. तो आपका x y x बार y बार इंटू एक्स प्लस y आ गया, राइट. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अब मल्टीप्लीकेशन होगा x बार y बार x, ओके, प्लस x बार y बार y, ओके. यहाँ पे ये क्या है आपका x बार y बार x एंड x x बार y बार y. तो आपका यहाँ पे देखो x इंटू एक्स बार क्या होता है, 0 होता है. x इंटू एक्स बार आप एक तरफ ले आओगे और y बार एक तरफ आपका आ गया. देन y x बार y इंटू वाई बार, ठीक है, y इंटू वाई बार. तो x इंटू एक्स बार आपका हो गया 0 एंड y इंटू वाई बार भी आपका क्या हो गया, 0. और आप अगर किसी को 0 से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, 0. किसी भी बुलियन वेरिएबल को 0 इंटू वाई बार आपका हो गया 0, ओके, एंड x बार इंटू 0 भी आपका क्या हो गया, 0. तो आपका रिजल्ट आ गया 0. तो यहाँ पे आपकी सेकंड थ्योरम भी प्रूव हो गई है, राइट. तो इस तरीके से आपने बूलियन जो आपका डी मॉर्गन था उसकी सेकंड थ्योरम को भी प्रूव कर दिया है. ओके, ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट,
share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.